वाईफाई कट गया था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो जो वो वाला केस मैं बता रहा था कि वो फिर से बता देता हूँ। एक केस आया, आपको बताया था, वो केस मेरा दोस्त ले रहा था, उस चीज को हुआ था। अब वो केस ऐसा था कि उसको डर की वजह से दिक्कत आ रही थी, पर वो डर कैसे मिला हमें, वो मेन सर्किट पे इलेक्ट्रीशियन था, मेन सर्किट पे काम करता था, उसका फ्रेंड को करंट लगा उसकी, वहां पर उसकी आंखों के सामने डेथ हो गई। अब वो इंसिडेंट उसके दिमाग में, वो डर उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया, उसके बाद से बहुत महीने तक उसने ड्यूटी वो मेन सर्किट पे नहीं करी वहां पर। जब भी अब उस दौरान के बाद तो उसको वहां पर काम करने जाना ही पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है, वो इलेक्ट्रीशियन है। अब जब भी वो मेन सर्किट पे काम करने जाता है, उसके बाद से उसकी ये सारी परेशानी स्टार्ट हो जाती है। ये डर, ये रिकलेक्शन उसकी मेमोरी में वापस आ जाता है, बोलता है मुझे वही दिखने लगता है, वही याद आने लगता है, उसके बाद से उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसको और दिक्कतें होने, नींद आना बंद हो जाती है, ये सब चालू हो जाता है। अब ये डर एक है, वो एक डर बैठा हुआ है, पर उसको बार बार वो रिकलेक्शन कर रहा है तो दिक्कत आ रही है। अब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन विद नो डिजायर, ये भी ओपीएम का सिम्टम है। स्लीपी बट कैनॉट स्लीप, आंखों में नींद है पर वो चीज घूमी जा रही है, उसमें भी ओपीएम आती है। अब मैं ये चीज सुना, मेरा दोस्त केस ले रहा था, अब हमको प्रिस्क्राइब करना तो अलाउड नहीं है, तो मैं तुरंत भागा राशिद सर के पास ये केस लेके, कि मैं बोला सर आप बताइए ये केस मिल रहा है, सर तो वहां पर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सर से बोला सर यार किसी भी तरीके से हमको मिल जाए, बस ये प्रिस्क्राइब करना सर, हम ओपीएम देके देखना चाहते हैं एक बार। तो सर मेरे से बोलते हैं प्रिस्क्राइब नहीं कर पाने का गम मत मनाओ, तुम्हें ये चीज दिखी है उसकी खुशी मनाओ, ये चीज आसानी से दिखती नहीं है। तो ये जो रिकलेक्शन ऑफ फ्राइट का ये जो सिम्टम है ना, ये ओपीएम का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम डर के मामले में, फियर के मामले में। और इसी तरीके से मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आप कैंट रेपर्टरी में खोलोगे या फ्राइट कंप्लेंट्स फ्रॉम रूबिक देखोगे, तो उसमें लाइकोपोडियम, ओपियम, एक्वोनाइट, बहुत सारी रेमेडीज आपको मिलेंगी। पर एक्वोनाइट का डर का प्रिस्क्रिप्शन कैसा होगा, ओपियम का डर का प्रिस्क्रिप्शन कैसा होगा, लाइकोपोडियम के डर का प्रिस्क्रिप्शन कैसा होगा, ये डिफ्रेंशिएट करोगे तब जाके उस प्रिस्क्रिप्शन में अच्छा काम मिलेगा। तो और ये डिफ्रेंशिएशन ही सीखा है हमने। इसी चीज से अब इससे थोड़ा अलग आते हैं, फियर वाली टॉपिक से थोड़ा अलग आते हैं। एक केस और मैं बताना चाहूंगा जिसमें मैंने कुछ पेक्यूलियर चीजें सीखी, जो कल आप आशिता से भी डिस्कस हुई थी। साइफ जो चीज डिस्कस करनी है हमें, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सिम्टम को पहचानना। एक केस आया था फीमेल का, जो कि डिप्रेशन से, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, सेक्सुअल एक्सेस की भी हिस्ट्री थी उसमें, बहुत सारी कंप्लेंट थी, सुसाइडल डिस्पोजिशन था, दो बार सुसाइड करने के ट्राई कर चुकी है, ऐसे ये सिम्टम वो दिखा रही थी। अब हम लोग का एज अ स्टूडेंट तुरंत दिमाग क्या जाता है कि सुसाइडल डिस्पोजिशन है, तो तुरंत हम लोग का दिमाग चला गया उस तरफ सोचने में कि ऑरम मेट दे सकते हैं, नैट्रम सल्फ दे सकते हैं, सुसाइडल डिस्पोजिशन है, दो बार ट्राई भी कर चुकी है हैंग करके सुसाइड करने का, तो क्यों नाम इस वाले, उसमें हमारा पूरा दिमाग चला गया। अब सर ने उसमें दवाई दी स्टेफिस क्रिया, स्टैफ दी सर ने प्रिस्क्राइब करी। अब हमें लगा कि ये सुसाइडल डिस्पोजिशन इतना प्रोमिनेंट है, सबसे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में भी यही है, ये इतना प्रोमिनेंटली दिख रहा है, तो यहाँ स्टैफ का प्रिस्क्रिप्शन क्यों किया सर ने। अब ऑनसेट ऑफ कंप्लेंट पे बात आती है, सर ने बोला वहां पर तुम लोग ने एक चीज नोटिस नहीं करी, वहां पर उसकी परेशानियों का, सब चीजों का ऑनसेट तभी से हुआ जब उसकी माँ को उसने बताया, और उसकी माँ ने बोला कि तुमने हमारे पूरे खानदान का नाम बर्बाद कर दिया, तुमने हमारी बेइज्जती करा दी, तुम ये कर दिया, वो कर दिया। अब ये चीज से इंडिग्निशन वाली जो बात आती है स्टाफ में, इंडिग्निशन कॉज्ड बाय हरसेल्फ और किसी और के द्वारा भी करा हुआ, उसकी वजह से इफेक्ट आना, बैड इफेक्ट आना, ये चीज के बाद से ही उसकी सारी कंप्लेंट आना स्टार्ट हुई है, ये उसका कॉजेटिव फैक्टर है। और सुसाइडल डिस्पोजिशन क्यों नहीं लिया, यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात आती है, जब राशिद सर उसका केस ले रहे थे, उसके पुराने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह देख रहे थे, एलोपैथिक के यहाँ से एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह भी ले चुकी थी वो, तो उन्होंने ये चीज हमें बताई कि एंटी डिप्रेसेंट्स का वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट्स होता है सुसाइडल टेंडेंसीज। और उसके डॉक्टर ने जब उसने एक बार सुसाइड कर दिया, तो एंटी डिप्रेसेंट्स का प्रिस्क्रिप्शन चेंज किया, क्योंकि उसको भी ये रियलाइज हो गया कि सुसाइडल टेंडेंसीज उसकी वजह से आ रही है, ये भी दिखा उनकी हिस्ट्री में। तो डॉक्टर राशिद सर ने हमको ये बताया कि यहाँ पर वो सुसाइडल डिस्पोजिशन उसके इंडिविजुअलिटी का पार्ट नहीं है, वो उसके दवाई का इफेक्ट है।
और ये डिफरेंशिएट करो कि वो उसका इंडिविजुअल है, खुद से है, तो लो उस पे प्रिस्क्राइब करो। अब खुद का नहीं है, दवाई का इफेक्ट है, खुद से क्या है, वो इंडिग्नेशन का इफेक्ट आया खुद से, उसके बाद से कंप्लेंट स्टार्ट हुई। अब ये डिफरेंशिएट करो, ये साइफर करो, इस वजह से वहां सुसाइडल नैट्रम सेल ऑरम मेट नहीं जाएगी, वहां स्टैफ जाएगी। और स्टैफ में और क्या आता है, स्टैफ में और इंडिग्नेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलता है, जो हमें राजेंद्र से बहुत बार देखा है प्रिस्क्रिप्शन के पॉइंट पे, वो आता है एक रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। अब ये रिजर्व डिस्प्लेजर से मैं बहुत हमेशा परेशान रहता था कि मुझे समझ में ही नहीं आता था ये रिजर्व डिस्प्लेजर क्या है। रिजर्व डिस्प्लेजर सुनते आ रहे हैं, मटीरियल पढ़ते आ रहे हैं, मैं सर के पीछे पड़ा रहता था, सर आप बताइए रिजर्व डिस्प्लेजर होता क्या है, सर आप समझाइए मेरे को। बहुत बार बोलने के बाद, बहुत बार उनसे पीछे पड़ने के बाद, सर ने एक दिन अच्छे मूड में थे, चाय मंगवाई, और चाय मंगवाने के बाद सर ने हमको रिजर्व डिस्प्लेजर एक्सप्लेन किया। और वो एक्सप्लेनेशन और रिजर्व डिस्प्लेजर बताना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सर ने बोला कि इमोशन, ये जो आप रिजर्व डिस्प्लेजर, एक्चुअली में होता क्या है, रिजर्व डिस्प्लेजर होता है थ्रॉटलिंग योर इमोशन अपने। ये जो डिस्प्लेजर वाले बात बोल रहे हो, इसको आराम से आस्ते आस्ते करके समझो। ये तुम, ये लो तुम समझ रहे हो, राशिद सर के साथ जो है वो समझ रहे, पापा के साथ जो है हम लोग समझ रहे हैं कि मतलब कि ये क्या एक्सप्लेन कर, और आदमी लोग इसको पढ़ के निकल जाता है, इजी समझ लेता है, लेकिन ये कितना डीप है, क्या है, ये समझ में किसी को नहीं आता। तो रिजर्व डिस्प्लेजर अपने आप में एक अलग दुनिया वाली चीज है, ये सिर्फ वही जान सकता है जो राशिद सर, पंकज सर, पापा, ये लोग के साथ जो रहा है वही लोग समझ सकता है रिजर्व डिस्प्लेजर का वैल्यू। बाकी लोग सब ऐसे पढ़ेंगे, अरे ये है कुछ होगा नहीं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको अच्छा से एक्सप्लेन करके, आस्ते आस्ते करके इसको एक्सप्लेन करो। तो रिजर्व डिस्प्लेजर, ये जो थ्रॉटलिंग ऑफ इमोशंस वाली बात मैं बताने जा रहा हूँ, सर ने हमको बताया कि इमोशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है। इमोशन वर्ड डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड से, जिसका वर्ड होता है इमोवियर। इमोवियर का मतलब क्या होता है, टू फ्लो। इमोशन की नेचुरल टेंडेंसी है, इमोशन के ओरिजिन में ही है कि बहना, इमोशन को बहना ही चाहिए। अब यहाँ पर आप मान लीजिए, सर ने एक्सप्लेन किया, आप अपने घर में हैं, रोज सफाई करते हैं, क्यों सफाई करते हैं, कचरा आता है रोज घर में, धूल धक्कड़ आती है। अब रोज सफाई नहीं करेंगे तो एक समय के बाद पे वो कचरा इकट्ठा होते 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 सड़न पैदा करेगा ना, और उस सड़न की वजह से आपके अंदर दिक्कत आएगी ना, आप बीमार पड़ोगे ना उस सड़न की वजह से। वैसे ही इमोशन है, अब आप उसको नेचुरली है इमोशन, आप वो नहीं कर सकते, इमोशन आएंगे ही आएंगे, चीजों से इफेक्ट आएगा ही आएगा, अलग अलग सोर्सेस से बम्बार्डमेंट हो गई इमोशन के। अब वो इमोशन आप इकट्ठा करे पड़े हो, पाइलअप होता जा रहा है। एक समय के बाद वो इतना पाइलअप होके आपकी शरीर को जलाएगा ही जलाएगा, आपके शरीर में वो सड़न पैदा करेगा ही पड़ेगा और इफेक्ट आएगा ही आएगा। और इस इफेक्ट को, इस पाइलअप करने के बाद को जो इफेक्ट आया, उसको हम कहते हैं रिजर्व्ड डिस्प्लेजर। ये इमोशन की नेचुरल टेंडेंसी को खिलाफ बात करते हैं, और खिलाफ बात करते हैं तो इफेक्ट आता है। इसी चीज में रिलेटेड एक और, जो ये कॉन्ट्रास्ट में है, पर स्टैफ में ही मिलती है, एक अक्यूट कंडीशन में बॉटल्ड अप वाली बात जो कहते हैं, पेंट अप रैथ की, रैथ है उसको, गुस्सा है पर वो पेंट अप है। सर बताते हैं कि थम्सअप की बोतल देखी है, उसको बहुत तेज से हिला दो, अब वो एकदम बाहर आने को उतावला है, एकदम बाहर आना चाहता है। अब ये चीज जो है ना, कि बाहर आना चाहता है एकदम उतावला, ये अक्यूट कंडीशन में ज्यादा मिलेगी आपको, कि तिलमिला रहा है, गुस्से में है, एकदम इमोशन से अफेक्टेड है, बाहर आना चाह रहा है पर निकाल नहीं पा रहा। यहीं पर एलन सिनोट में आप देखोगे लिखा है अपोजिट ऑफ नक्स। नक्स होगा तो क्या करेगा, निकाल देगा, वो नहीं रखेगा, वो निकाल देगा अपना बाहर इमोशन। यहीं पर कॉन्ट्रास्ट में जब आप स्टैफ पढ़ोगे तो वो इमोशन को निकाल नहीं पाता है, बाहर नहीं, बॉटल्ड अप, बंद करके रखा रहेगा और उसकी वजह से तिल मिलाएगा। तो ये जो कंडीशन है, ये जो प्रिस्क्राइबिंग है, ये जो मीनिंग्स है एलन सिनोट के एक एक वर्ड की, इसको सीखना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। खासकर आप रिजर्व डिस्प्लेजर पढ़ के आगे बढ़ जाते हो, पर आपकी कितनी बार ऐसा होता है कि हम पेशेंट में ये इमोशन दिखता है हमें, कि मिल रहा है, सामने देख रहा है, वो नहीं निकाल पा रहा है, अपने अंदर रख रहा है और इतने टाइम से रख रहा है, पर हमने रिजर्व डिस्प्लेजर ही नहीं ढंग से समझा तो हम उस चीज को छोड़ देते हैं।
तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल है। अब ये जो मैंने केस बताया था ये लड़की का, इसमें हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं कि हमने इसका फॉलोअप भी देखा हुआ है, और जो कॉन्ट्रास्ट लाइकोपोडियम भी है, तो ऑरम भी है, नेट्रम्यूर भी है, स्टेप्सिगेरिया भी है। रिजर्व डिस्क्लेजर में सर ने बोला कि हमें जो होते ना बॉडी लैंग्वेज देखते हो आप, या देखते हो पहली बार आए वो डिप्रेशन का पेशेंट है, आपको देख के लग जाता है वो कैसा दिख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे पोर्ट्रे कर रही है। सेकेंड बार में उसमें बहुत भयंकर कॉन्ट्रास्ट दिखा हमें प्रेशर क्लियर के बाद, और इस चीज को सर डिफाइन करते हैं डिमीनर से। डिमीनर देखो पेशेंट का क्रॉनिक डिजीज में, अगर आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो कि चेंज हो रहा है डिमीनर में, चाहे सिम्टम्स में उतना ज्यादा फर्क ना आया हो, पर क्या डिमीनर में फर्क आ रहा है। अब यही चीज में सर बोलते हैं कि अब सब लोग क्या बोलते हैं 153 तो सब देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के पहले सिम्टम की पहचानना 153, पर 253 यहाँ पर अफोरिज्म हमें सिखाता है कि सिम्टम के बाद, सिम्टम आने के बाद सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में उस चीज को समझना, डिमीनर को समझना पेशेंट के, और कैसे समझना कि आपके सिम्टम्स में आराम उतना नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत आराम है, नॉर्मल है, धीमे धीमे करेगा। यहाँ पर क्या करते हैं लोग, थोड़ा सा आराम भी मिला, नहीं मिला आराम, तो क्या करते हैं चेंज कर देते हैं रेमेडी, चाहे उसका डिमीनर में उसको अच्छा हो रहा हो, अंदर से उसको अच्छा महसूस हो रहा हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आपको दिख रहा है पहले से, पर वो चेंज कर देते हैं रेमेडी को। यहाँ पर ही खान सर हमें सिखाते हैं सिट ऑन द रेमेडी। ये सिट ऑन द रेमेडी तभी आएगा जब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज के, उसके डिमीनर से ये चेंजेस, ये स्लाइट चेंजेस आप देखना, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। अगर ये चेंजेस आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट नहीं किया तो आप अपने प्रिस्क्रिप्शन पे भरोसा नहीं रख पाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, बोलोगे नहीं काम करी दूसरी देते हैं। ये सिट ऑन द रेमेडी वाली बात वहां पर नहीं आ पाएगी। कुछ अरकम तुम भी बोलो। नहीं बोलो, बहुत सही जा रहा है, बहुत अच्छा। तो इन, ये तो कुछ प्रिस्क्रिप्शन थे जो फियर से रिलेटेड थे, स्टाफ से रिलेटेड थे, इन सब चीजों से रिलेटेड थे। अब एक चीज जो और मैं बताना चाहूंगा इसी चीज से रिलेटेड, वो ये है कि अब हमने उसमें, आशिता ने उस दिन मेंशन किया था कि फर्स्ट जो होता है बीमारी आने के बाद बच्चे में पहली बीमारी का इम्पोर्टेंस, कि पहली बीमारी का ये इम्पोर्टेंस है तो ये रेमेडी जाएगी। अब सर ने एक दिन हमको बताया था कि ये पहली बीमारी का इम्पोर्टेंस होता क्यों है, पहली बीमारी का इम्पोर्टेंस हम इतना ले रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं उस पे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सर ने एक कोटेशन बताया था हमें तब कि द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट कॉलम ऑफ द चेन, कि जब एक बच्चा है वो पहली बीमारी जो आपके पास लेके आ रहा है और बाकी सारे एस्पेक्ट उसके नॉर्मल है, बाकी कोई ऐसा बाहरी इफेक्ट उस बच्चे पे नहीं आया है, और अंदर से वो पहली बीमारी जो दिखा रहा है वो उसके अंदर का माइजमेटिक टेंट जो वो कैरी ऑन करके आ रहा है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, जो पहले से वो लेके आ रहा है इसको वो एक्सप्रेस कर रहा है, और इसको पहचानने को करने बोला था। इस वजह से इस पहले डिजीज को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, और इसके बाद अगर इस पहले डिजीज को आपने अदर वेज में ट्रीट कर दिया, आपने स्टेरॉइड देके इधर उधर जाके एलोपैथिक मेडिसिन देके ट्रीट कर दिया, तो यहां से डिसाइड होता है कि आपकी अब ये जो आगे का स्टेज है डिजीज का वो किधर कैरी फॉरवर्ड करेगा, और यहां पर उसको अच्छे से प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेगा। इन्हीं सब मतलब सर का ये चीज होती है कि हम लोग जब सर से पढ़ते हैं या वहां पर सीखते हैं तो मटीरिया मेडिका ही नहीं सीखते हैं हम, साथ में सीखते हैं ऑर्गेनॉन के कॉन्ट्रास्ट में मटीरिया मेडिका, ये चीज है, ये रेमेडी यहाँ प्रिस्क्राइब करोगे तो इस रेमेडी को यहाँ प्रिस्क्राइब करने का इम्पोर्टेंस कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन चीजों को पढ़ते 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 एक इमेज बनती है दिमाग में। अब इसी चीज से रिलेटेड अभी रिसेंटली एक डिस्कशन हुआ था सर के साथ हमारा, बॉयल्स वगैरह के ऊपर लेके हुआ था कि रिकरेंट बॉयल हो गया, रिकरेंट क्या बोलते हैं एब्सेस हो गया, ये सब चीजें किसमें मिलेंगी। तो रिकरेंट एब्सेस के केसेस में सर ने हमको बताया एंथ्रासिनम यूज करना। अब रिकरेंट एब्सेस के केसेस में हमें एक और रेमेडी सर ने बताई, वो बताई सिफिलिनम। और जब सिफिलिनम का डिस्कशन हो रहा था तो सिफिलिनम के डिस्कशन के दौरान सिफिलिनम के हेडेक के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बात हुई। तो जब हेडेक के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बात हुई सिफिलिनम की स्टार्ट हुई, तो वहां पर सर ने एक चीज बताई जो सिफिलिनम के हेडेक में बहुत प्रोमिनेंटली आपको मिलेगी, वो है लीनियर हेडेक। वोरिक में लिखा हुआ है एक लाइन में दर्द हो रहा है,
ये लीनियर हेडेक का इंपॉर्टेंस सिफिलिनम के हेडेक के प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। अरकम अब कुछ तुम भी बोलो, मेरा तो आज का इतना ही है। सिफिलिनम का ये लीनियर वाले जो बात, उसमें एकेडमी ऑफ क्वेस्ट का जो वेबिनार होता हो रहा था, शायद उसमें खालिद सर ने दिखाया था एक केस जो इरप्शन था, एक लाइन से इरप्शन चल रहा था बॉडी में, एक पर्टिकुलर लाइन से, तो उसमें उन्होंने सिफिलिनम दिया था। और बॉयज वाली जो बात बोली, एक पर्टिकुलर जगह पे अगर रिकरेंट बॉयज हो रहा है, अगर एक पर्टिकुलर जगह पे जैसे यहाँ हो रहा है तो ठीक हो गया, फिर यही हो रहा है आर्निका, आर्निका बहुत अच्छी रेमेडी है रिकरेंट बॉयज के लिए या एक्ने के लिए जो एक पर्टिकुलर जगह पे हो, ठीक है। और बोलने में बहुत आज डर लग रहा है, राजीव सर देख रहे पूरा कंटिन्यू स्टार्टिंग से देख रहे, तो इसलिए थोड़ा घबराहट हो रही। क्या बोले, एक चीज हम बोलेंगे, फियर वाली जो बातें चल रही उस पर एक चीज पापा का एक केस बताएंगे। एक पेशेंट था, उसको कहीं से ब्लड लग गया बॉडी में, कहीं लग गया होगा, कहीं पे आदमी जाना आना जाना करता है, तो अब हाथ में लगा या पाँव में लगा कहीं पे उसको ब्लड लगा, आके वॉश आउट किया, उसके बाद से उसके अंदर फियर बैठ गया एचआईवी का कि हमको ब्लड लगा है कहीं ना कहीं हमको ये बीमारी होगा। अब वो कांस्टेंट उसमें लगा हुआ है ये फियर, अब हमको ये बीमारी होगी, हमको एचआईवी होगी, हमको एचआईवी होगी, हमको एचआईवी होगी, तो इसके लिए वो बार बार टेस्ट करा रहा है। टाइम ड्यूरेशन इंक्यूबेशन पीरियड भी उसका लंबा रहता है, अभी नहीं आया बाद में आएगा, बाद में आया खून लग गया हमको ये हो गया हो गया। तो पापा ने केस देखा जाके और पापा ने बताया, फिर उसको पापा ने दिया था सिफिलिनम। तो पापा बोले कि कभी भी ऐसा फियर आ जाए कि हमको ब्लड लगा या कहीं से कुछ लग गया, उसके बाद अगर एचआईवी की अगर डर आ जाती कि हमको एचआईवी बीमारी हो तो मेडिसिन सिफिलिनम। तो इसमें पापा ने उसको सिफिलिनम दिया था, इतनी अच्छी रिजल्ट कि मतलब कि बहुत बड़े लोग थे, बहुत पैसे वाले, लेकिन उनका काम नुकसान हो रहा था, कांस्टेंट फियर तो बैठा हुआ था वो बीमारी का, और उस पे उन्होंने सिफिलिनम दिया था और बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ। और जैसे कि आप और फियरी के ऊपर दो तीन बात कर ले हम लोग, मतलब क्या क्या है आज का टॉपिक फियरी है। हाँ, तो जैसे कि फियर ऑफ कॉलेरा है, ठीक है, तो अटक रेपट्री में देखा जाएगा तो उसमें दो रेमेडी देता है, लैक्सिस एंड नेट्रिक एसिड, फियर ऑफ कॉलेरा। लेकिन हाँ, लेकिन यही चीज अगर हम लोग एलेंस की नोट में पढ़ते हैं तो उसमें आर्सेनिक भी मेंशन है, फियर ऑफ कॉलेरा। तो ये पर्टिकुलरली अपने दिमाग में नहीं कि पेशेंट आया ये बोला तो हम फट से रेपट्री उठाया देखा डिफरेंशिएट किया दे दिया। अब यहाँ पर अगर आपको मटेरिया का एलेंस की नोट का अगर नॉलेज नहीं है, अब पेशेंट आर्सेनिक है, फंस गए। तो यही चीज है, रिपर्टरी है यूज हर चीज में अपना, लेकिन मटेरिया का नॉलेज वास्ट होना चाहिए, मटेरिया का पूरा नॉलेज होना चाहिए तब, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन में आदमी फंस जाएगा। जो ये सोचते है कि अभी जो शॉर्टकट सोचते है, अरे ये देख लिया डाला कंप्यूटर में, पट 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 मारा ये आ गया, देखा इससे दो मेडिसिन मिला, दोनों को कंपेयर किया, सिमिलर मिलाया, दे दिया। तो एक इंसान का, चलो तुम रेपट्री से डिजीज का, बीमारी का, इसका उसका सब निकाल लोगे, आप फिजिकल असर्टेनेबल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लाओगे, रेपट्री में कहां से ढूंढोगे? तो उसके लिए तो मटेरिया तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, गुरु के साथ बैठना ही पड़ेगा। अगर राशिद सर का वो जो केस हमको बताई थी उस दिन, सुरभि जो बोल रही थी एक्सेसिव फिजिकल इरिटेबिलिटी, अगर नेट्रिक वो लोग अगर देखे नहीं होते ऐसा केसेस, उनको पता नहीं होता, तो बच्चा चीख रहा चिल्ला रहा टान रहा कैमोमिला देते जा रहे, अरे हो ही रहा नहीं, बच्चे में नेट्रिक एसिड दिला रहा क्या, एक्सेसिव फिजिकल इरिटेबिलिटी वाली बात है। तो ये होती है बात, खाली रिपर्टरी कंप्यूटर मारो ये दिया वो दिया फटके दिया चला दिया। इसी चीज से एक बात बताता हूँ मैं, पहले मेरी बहुत आदत होती थी, जैसे सर ने कुछ प्रिस्क्राइब किया, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों दिया, अब हमें जानना भी है सीखना भी है, अब मैं लेके मटेरियल और रिपोर्टरी और सब चीज लेके बैठा हुआ हूँ, ढूंढे पड़ा हूँ कहाँ मिल रहा है कहाँ मिल रहा है कहाँ मिल रहा है।
कभी कभार ऐसा भी होता है कि सर ने प्रिस्क्राइब कर दिया है, सर ने अपने हिसाब से प्रिस्क्राइब कर दिया, सर ने पॉइंट के हिसाब से प्रिस्क्राइब कर दिया, बाद में मैं बैठा हूँ रेपर्टरी से पूरा रेपर्टराइज करके टोटलिटी बना के एक एक चीज के डिटेल लेके केस के बना रहा हूँ, तो वही रेमेडी आ रही है। और सर ने बस एक दो पॉइंट देके प्रिस्क्राइब कर दिया है बहुत जल्दी, और मुझे वो चीज समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन मैं बाद में बैठ के डिटेल में केस टेकिंग कर रहा हूँ। तो ये जो चीज होती है ना, ये आपकी नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका ही करा सकती है, जो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। और वो मटीरिया मेडिका के नॉलेज के साथ वैसा टीचर जो दिखा देने वाला हो। एक चीज बता रहे पापा को, कल हम बोल रहे थे कि पापा मेरा डिस्कशन हुआ था गौरंग सर के साथ, उन्होंने आपका एक बॉम्बे का केस बता रहे हैं कि आपको बहुत मतलब कि पेशेंट को हेडेक था, वो सपोर्टिंग था, सपोर्ट लेके था, तो आपने सल्फर दिया था उसको। आपने ऐसा बहुत केस है, ऐसा बहुत केस है कि देख के मैंने दिया। तो कैसे ये हम लोग नहीं कर सकते, उनका एक एक्सपीरियंस, और उनका टीचर कौन? ज्ञान मुजुमदार। ज्ञान मुजुमदार का टीचर कौन? क्लार्क। और ज्ञान मुजुमदार के फादर कौन? पी मुजुमदार, जो कि सीखे एलएम से। तो इस लेवल वाली बातें आ जा रही, कहां से आ जाएगा, कहां से हम लोग के अंदर आ जाएगा वो देख। तो ये हम लोग बैठ लेते तो हम लोग कर सकते कि थोड़ा देख लिया सुन लिया, तो इस हिसाब से। एक चीज बता रहे, राशिद सर का भी शायद उन्होंने भी कोई केस में दिया था, मैंने सुना था, शायद याद नहीं है, लेकिन पापा का कल एक चीज बता रहे, पापा बोले पेशेंट आया था बॉम्बे में देख रहे थे, उसके पॉकेट में दो कलम था, दो पेन था, पापा बोले पल्सर टीला है ले जाओ इसको जाके पूछ लो। सर कैसे बोल दिए दो कलम है पॉकेट में, आप बोले पल्सर टीला है जाके ले जाके पूछो, तो आया पूछ के पूरा पल्सर टीला। बोले सर क्या देखे? बोले देखे नहीं, उससे पापा खाली एक ही चीज पूछे थे क्यों दो कलम रखते। बोले कि नहीं कभी इसको चलाते कभी इसको चलाते, अपने लिखने पे उसका चेंजेबिलिटी कितना है, एक जगह फिक्स नहीं उसका माइंड, कभी इससे लिखेंगे कभी उससे लिखेंगे कभी इससे लिखेंगे कभी उससे लिखेंगे, ये चेंजेबिलिटी की वजह से जाओ अब पूरा निकाल के आया तो बोला पूरा पल्सर टीला। तो क्या पॉकेट में पर्सपेक्टिव तो आप कभी सोच ही नहीं सकते हो। अरे हम कल जब हमको बोले पापा की दो पेन था, हम बोले पापा क्यों? बोले नहीं समझ में आया, चेंजेबिलिटी मतलब कि कहां जा रहे हम दो पेन, हम परेशान थे कि मतलब साथ हम भी रह रहे बचपन से रहे, लेकिन फिर भी वो जो बात आ जाती कहां से आ जाए। बोले ऐसी एक और केस था, पेशेंट आया दो तीन दिन से आ रहा था दिखा रहा था, उसका कंप्लेन ठीक नहीं हो रहा था, पापा बोले देखो वो जो पेशेंट आ रहा है जो काला कपड़ा पहन के उससे जाओ सल्फर पूछ के आओ। अब लोग तो परेशान कि क्या देखे, तो हम लोग तो कंप्यूटर चला रहे हो रहा नहीं है क्या है यह पूछ के। बोले सर पूरा सल्फर क्या बात है? बोले देख रहे नहीं है काला कपड़ा तीन दिन से आ रहा है यहाँ पर, वही कपड़ा पहन के आ रहा हूँ, वही काला ड्रेस पहन के आ रहा जो पहला दिन आया था, तीन दिन से वही कपड़ा पहन के आ रहा, तो वो सल्फर नहीं होगा तो कौन होगा? ये चीज, एक चीज, एक पेशेंट था अर्ली टाइम में, एक पेशेंट हुआ कि एक लेडी थी, तुम लोग भी सुने होंगे शायद एकेडमी ऑफ क्विज में भी पापा ने बताया शायद सेमिनार, एक लेडी थी, पापा चेंबर में आए, वो दिखाने आई थी, वो बात कर रही थी अपना, पापा जैसे आए बच्चे लेके थी, पापा जैसे आए बच्चा को देखे डॉक्टर आ गया उसके पास जाने के, तो पापा वही देखे, पापा बोले इसको सीपीआर दे दो। तो पापा से पूछा, लोग बोले कि मतलब कि कोई बोले मतलब कि बड़े डॉक्टर थे वो भी, वो बोले कि सर हम लोग तो ऑर्गेनिन के फील्ड वाले हैं, वैसे आप बोलते। पापा बोले ठीक है क्वारी कर लो बैठ के, क्वारी करो बैठ के, फिर ले क्या थोड़ी देर बाद आके बोलना पूरा सीपीआर ये तो। बोले क्या देखे? बोले जो औरत जो लेडी सबसे ज्यादा आदमी को प्यार किससे होता? अपने बच्चों से। जो डॉक्टर को देखे अपने तकलीफ देखे अपने बच्चे को फेंक दी, तो इससे इंडिफरेंस लग क्या होगा, उससे इंडिफरेंस और हो क्या सकता है? क्या बात। अब बोले उसके चेहरा नहीं देखे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देख रहे उसका, यहाँ पर ऐसे लाइनिंग है उसका फिश जैसा, वो तो पूरा खुद आके बोल ली कि हम सीपीआर, वो तो खुद दिखा रहा बॉडी लैंग्वेज उसका बोल रहा, करते रह जाओ रेपर्टरी, चलाते रह जाओ कंप्यूटर। तो यही बात है, जितना भी हो जाए ये जो है साथ बैठ के देखने वाला एक एक चीज जो दिखा देने वाला होता है उसकी बात ही अलग होती है, मतलब खड़े करे। और बहुत दफा पेशेंट लोग का भी, और इन लोग के अंदर क्या क्वालिटी हमको ये समझ में नहीं आता है, पेशेंट को बहुत इतना दिल करता है कि पेशेंट को क्या करें हमको समझ में नहीं आता है, बाहर बैठ के आप पूछते रहो दुख है गुस्सा है बेइज्जती, नहीं नहीं जरा सा इन लोग को अंदर लेके जाओ वो पूछा रोना चालू, दुख है, इतना इरिटेशन होता कि बाहर वही बात हम पूछ रहे हैं आधा घंटा एक घंटा से पूछ रहे, तो नहीं है वहां पर ही रहो,
तो क्लास होता कैसे घुमा के वहां तक लाने का, हम लोग तो ऐसे ही पूछ लेते हैं, दुख है, गुस्सा है, बेइज्जती है, इंसल्ट है, ये है वो है, नहीं है ठीक है, उन लोग जानते टैक्टिक्स कैसे पूछा जाता, तो ये भी एक आर्ट है। मैंने तो यही बात बोला कि होम्योपैथिक है कि साइंस वाइंस का बात नहीं, आर्ट है, इसको आर्टिस्टिक बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको कैसे पेशेंट को खेले। इसी चीज को मैं बताते हुए तुमसे भी मैं उस दिन ये बात डिस्कस कर रहा था, शायद उस दिन फोन पे हम लोग थे, तो मैंने बताया था कि एक साल तक जब मैं वहां पर था सर की क्लिनिक पे सीखने गया था, तो मैं कोई केस नहीं लेता था, कुछ नहीं लेता था, बस देखता था सर को, और सर कुछ बोलते भी नहीं थे मेरे से, सर नाम भी नहीं बोलते थे, सर ने आज तक नाम ही नहीं लिया था, एक साल होने वाले थे। अब मैं देख रहा था सर को, देखता था सर कैसे केस लेते थे, क्या बोलते थे, कैसे पूछते थे चीजों को, कैसे इंक्वायर करते थे, और उस वक्त पे मेरी केस टेकिंग की नॉलेज बहुत ही कम थी, और अभी भी मैं बोलूंगा मैं बहुत लर्निंग फेज में हूँ उसके। तो उस वक्त में जब मैंने एक साल बाद अचानक से सर एक दिन मुझसे कहते हैं कि अंकुर जाओ केस ले लो, अब जब केस लेने में बैठा, तो उस समय जब मैंने केस लिया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो पिछले एक साल से मैं चीजें देखता आ रहा था ना, ये जो पैसिव लर्निंग मैं करता आ रहा था ना, ये अपने आप क्वेश्चंस आ रहे थे कि अच्छा अब यहाँ पर ये पूछते हैं तो अब ये पूछना है, अच्छा अब यहाँ सर ने ऐसे पूछा था तो ये भी पूछ सकते हैं। तो ये जो लर्निंग है, ये जो पैसिव लर्निंग, ये जो एक्टिव लर्निंग जो आप एक टीचर के अंदर कर सकते हो, ये कोई केस टेकिंग की किताब आपको नहीं सिखा सकती, कभी नहीं सीख सकते आप केस टेकिंग की किताब से। ये और अब ये हम लोग समझते हैं कि आ ही जाता है, बचपना है थोड़ा आदमी के अंदर, वो हो जाता है कि थोड़ा कि इन लोग कोई कोई चीज पे जब प्रिस्क्राइब कर देते हैं ना, चाहे राशिद सर हो, पंकज सर हो, शेयर सर, पापा हम लोग को दिखा देते, हम लोग सोचते हैं कि चलो अभी पेशेंट आएगा तो हम लोग पकड़ लेंगे, देख लेंगे, ये मिल जाए। इन लोग उसी चीज को फिर दूसरा एंगल से कैसे घुमा के दूसरा मेडिसिन दे देंगे। तो ये मत सोचो ना कभी भी कहीं पर भी बैठ के, इतना हम सीख लिए तो बहुत सीख लिए इनसे, अब मिलेगा हम कर लेंगे, इतना एंगल से इन लोग घुमा देंगे, एक एक अलग अलग वही सिम्टम पेशेंट लेके आ रहा है, दूसरा चीज में हर चीज में मिला दूसरा मेडिसिन दे देंगे। अब क्या कभी ये बात आ जाएगी, कभी वो बात आ जाएगी, कभी ऐसे आ जाएगी, हम लोग का ना ऑर्गेनिन स्ट्रांग है, ना मटेरियल स्ट्रांग है, ना रिपर्टरी स्ट्रांग है। तो इन लोग हर एंगल से करते हैं, हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं बंगाल वाले रिपर्टरी नहीं करते उधर, अरे सब वो पढ़ रहे नहीं है, वो नहीं जान रहे, वो जान रहे कि कब इस्तेमाल करना है, बेफालतू का हर चीज में थोड़ी आया टिक टॉक किया कर दिया। एक चीज और, पाठक रिपर्टरी में दिया हुआ है फियर ऑफ लाइटनिंग सैलिशिया वन सिंगल रेमेडी, फॉस्फोरस का बात ही नहीं कर रहा, कहां है ये सब। तो यही सब है कि इन लोग किस तरह से सैलिशिया कब है, फॉस्फोरस कब है, यहाँ मटेरिया का नॉलेज कितना पास रखना है, कहां रेपट्री का कब यूज करना है, ये सब वाली बातें हो जाती है। इन लोग इतना एंगल इन लोग का प्रिस्क्राइबिंग का है कि मतलब कि आदमी ये नहीं सोचता कि एक ही है, ये आया रेस्ट इन मोशन, रेस्ट है, आराम मिल रहा है, मोशन से तकलीफ है, घुमा के कभी चाइना दे देगा। अब जैसे क्या है कि चाइना का भी है कि सिंपल दबा के रखोगे, चाइना का सिंपल दबा के रखोगे दर्द नहीं, बहुत ज्यादा प्रेस में आराम मिलता है, प्राइनियल लाइक सिम्टम्स का भी है कभी वो, अब परेशान प्राइनियल सोच के आप तो पढ़ाए थे इसमें प्राइनियल था, चाइना दे दे रहे, इन लोग का हर एंगल है इन लोग के पास। नैना मैम ने जैसे बताया ना लाइकोपोडियम और भी दवाएं बताई रिजर्व डिस्प्लेजर में, अब यही रिजर्व डिस्प्लेजर में जब सर ने बताया तो हमने स्टैफ में पढ़ा था, तो अब हमारे दिमाग में क्या था, स्टैफ रिजर्व डिस्प्लेजर, ये बैठ गया। अब आगे जाके सर ने हमको लाइकोपोडियम में भी रिजर्व डिस्प्लेजर दिखाया, अब वो केस में ही दिखाया, अब हमारा दिमाग तब क्या था, अब हम तब लाइको नहीं सोच पाए, हमारा दिमाग जा रहा है स्टैफ के टूवर्ड, स्टैफ ही तो बताए थे, पर सर ने बोला क्या लाइकोपोडियम में नहीं होता, जाके पढ़ो। तो अब ऐसे बोलो बोलो, मैं यही बता रहा था कि ये जो चीज होती है कि एक ही चीज को जो तुम बता रहे हो कि एक चीज को सीखना है, पर आप एक चीज को एक मान के चल दिए, आपने बोला चलो ये बता दी, आपने आग बनती है, अब हर जगह वही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, पर ऐसा नहीं सर। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेरे से कहते हैं कि राशि सर के अंडर जब मैं जब भी काम करता हूँ तो मेरा ये आदत है मैं लिखता रहता हूँ सर जो भी बोलते हैं नोट्स वगैरह में, फोन वगैरह में जब भी, तो सर बोलते हैं ये जो कीनोट प्रिस्क्राइबिंग की बात होती है ना कि कीनोट्स पे प्रिस्क्राइब करना, जो जिसके बारे में पहले भी एक बार डिस्कशन हो चुका है, तो ये कीनोट्स प्रिस्क्राइबिंग में सर ने हमें साफ बताया था इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ आर मटीरिया मेडिका,
और जब तक वो इन डेप्थ नॉलेज आपके अंदर नहीं आती है सीखने से, गुरु से सीखने से, पढ़ने से, तब तक आप ये कीनोट प्रिस्क्राइबिंग करना भी बहुत आसान बात नहीं। अब इंसान ये क्या करता है, कीनोट देख लिया, प्रिस्क्रिप्शन पॉइंट देख लिया, अब बस ये मिले तो स्टैप, ये मिले तो लाइको, ये नहीं कर सकते आप। और दूसरा एलन कीनोट का एक और चीज है कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि बोल्ड इटैलिक मॉडलिटी, इसको समझ के चलते हैं कि पूरा के मतलब कि यही सिम्टम मिले तो एलन कीनोट का ब्यूटी है ऐसा। उसका जो कीनोट कैरेक्टरिस्टिक इस बुक का नाम दिया गया, तो इसका एक एक जो सिंपल वर्ड भी जो है, जो नॉर्मल थर्ड ग्रेड जिसको हम समझ रहे, आप बड़े बड़े बुक में पढ़ने जाओगे तो वो बोल्ड इटैलिक में तुमको मिलेगा। ऐसी ऐसी चीजें अब सिंपल कैसे अनकॉमन वाली जो बात, जैसे उस दिन मैंने प्रोटोफाइलम वाली बात बोली थी, अर्ली मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पेट के बल सोना पसंद करेगा, ये कॉमन लैंग्वेज में लिखा हुआ, हम लोग कितना इसको छोड़ देते हैं। तो इसका कॉमन लैंग्वेज भी कितना डीप है। और जैसे कि ये तुम जो बोल रहे थे कि इन लोग का एंगल अलग अलग है पढ़ने का, प्रिस्क्राइबिंग का एंगल अलग अलग, तो एक इस एंगल पे भी एक बात बोल रहे हैं कि हम लोग कभी जिंदगी में उस लाइन पे सोच के कभी प्रिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। एक पेशेंट था, सीवियर डायरिया हो रहा था कंटिन्यू, बहुत दिन से डायरिया हो रहा, बहुत बड़े प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के टीचर से पढ़ता था, मेडिकल डॉक्टर था वो भी, बहुत बड़े मेडिसिन के डॉक्टर से पढ़ता था, सारा जो पैथोलॉजी टेस्ट था, ब्लड टेस्ट हुआ, स्टूल टेस्ट हुआ और सोनोग्राफी हुआ, सब कुछ, कोई पैथोलॉजी नहीं। होम्योपैथिक डॉक्टर थे, बहुत नॉलेज वाले डॉक्टर थे। तो उन्होंने सोचा, उनका ही केस वो खुद बताए थे, उन्होंने सोचा कि मतलब कि इतना सीवियर हो रहा है, इतना दिन से परसिस्ट कर रहा है, जो टेस्ट कराओ कुछ नहीं, सब चीज ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट सब नॉर्मल, विद इन अ नॉर्मल लिमिट में हर चीज आ रहा है, क्या है ऐसा। तो उस इंसान के अंदर एक चीज था, उसको सिगरेट का धुआं एकदम बर्दाश्त नहीं होता था, सीवियर। उन्होंने देखा कि कोई पास में सिगरेट पी रहा, उनको इनटॉलरेबल हो रहा है, बर्दाश्त नहीं। तो उन्होंने ये रिलेट किया, ये सिम्टम मेरा परसीव कर रहा है विदाउट पैथोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन। इस बेसिस पे उन्होंने इग्नेशिया लिया। इग्नेशिया अब कहां, हम लोग जिंदगी में जितना भी रहे पैथोलॉजी के पीछे भागते रह जाते हैं, ये करा लेते वो करा लेते, इग्नेशिया से खत्म। अब इसी मतलब चीज को क्या एंगल है ये, इसी चीज को जब हम ये भी, अब हम बहुत खुशनसीब है कि हमने खुद लाइव खान सर की क्लिनिक पे उनसे ही सुना ये केस। और जब उन्होंने ये केस बताया तो यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, सर ने बताया था कि कार्ल डेनम मटेरिया मेडिका में जाके इग्निशिया पढ़ना, कार्ल डेनम मटेरिया मेडिका में इग्निशिया में दो जर्मन वर्ड्स यूज करें, अब उसको मैं प्रोनाउंस तो नहीं कर सकता, लेकिन वो दो जर्मन वर्ड्स का मतलब होता है वही कॉन्ट्रडिक्टरी और इनकंसिस्टेंट। तो उसके हिसाब से सर ने एक्सप्लेन किया था कि जाओ कार्ल डेनम में पढ़ो ये दो वर्ड, डॉक्टर ब्रूम ने वो वर्ड दिए हैं कार्ल डेनम में लिखा हुआ है, और उसमें वो इनकंसिस्टेंट और ये जो बात करी तुमने कॉन्ट्रडिक्टरी वाली, सर ने हमें बताया था कि इसमें से पढ़ो और ये चीज दिखाओ, लास्ट में एकदम लिखा हुआ है, बोल्ड में शायद लिखा हुआ है, ब्लैक में एकदम जर्मन। तो कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते ये प्रिस्क्राइबिंग, कहीं दिमाग ही नहीं जा सकते इग्निशिया को, वहीं रह जाते ग्रीफ 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 ग्रीफ, अरे ग्रीफ तो है नहीं, ग्रीफ तो है नहीं। कितना स्ट्रॉन्ग सिम्टम है कॉन्ट्राडिक्शन का, कि एक पूरा इतने बड़े प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के टीचर, वो बोले कि नहीं तू समझ में नहीं आ रहा, पैथोलॉजिकल ऐसा कुछ नहीं मिल रहा, सिम्टम बेसिस पे कुछ नहीं मिल रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, नजर नहीं आ रहा ये क्या कंडीशन है, हमको समझ में नहीं। तो जहां तक उन लोग का लिमिट है, जहां उन लोग खत्म हो जाते हैं, वहां से शुरू होता होम्योपैथी, जब कोई चीज नहीं बचता तो वहां से स्टार्टिंग होता है। इग्निशिया क्लियर किया, एक चीज फियर के ऊपर एक और हम बता दें, हमको मालूम नहीं था, पढ़ा मैंने आती है, बहुत अच्छा हमको लगा कि फियर रहेगा कि मेरा हस्बैंड कहीं किया है, वापस नहीं आएगा, कुछ उसके साथ गलत हो रहा है, गलत हो गया, मेरा हस्बैंड निकला काम से, तो उसको ये कॉन्स्टेंट फियर रहेगा कि उसके साथ कुछ हो गया, वो वापस नहीं आएगा। वन सिंगल रेमेडी फाटक में दिया हुआ है प्लैटिनम, क्या बात। तो ये फियर का अलग अलग ये एंगल है, लेकिन वही बात है कि
रेपर्टरी कब यूज करना है, मटेरिया कब यूज करना है, ये सब गुरु के साथ ही बैठ के सीख सकता है आदमी। और फिजिकल जो हम लोग बताए थे एक्सेसिव फिजिकल इरिटेबिलिटी वाला, क्या मिला, हम लोग चलते रहते अगर वो बताते नहीं यहाँ पे। अब वो जैसे कि उस दिन सुरभि शायद बोली थी तो बोली नाइट्रिक एसिड सर, बोले खोल के देखो, इन लोग खोल के देखा जा रहा बोले कोई लाइनिंग नहीं मिल रहा। हम लोग वही थे, हम लोग खोजे पड़े हैं एलन की नोट से, मैं खोज के पढ़ा हूं कहां लिखा है बच्चा रोता है, कहां लिखा है बच्चा रोता है, अब मिल ही नहीं रहा है, परेशान मेरा एकदम दिमाग की, मैं बोल रहा हूं ये इतनी बार पढ़ी मैंने, क्यों नहीं मिल रहा है मुझे ये चीज, मैं एलन की नोट देख रहा हूं, अब सर उसको दिखाए कि ये पढ़ो ये क्या लिखा है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अब दिमाग घूम जाता है वहां पर, अरे ये तो है, ये तो सामने लिखा है लेकिन इंटरप्रिटेशन नहीं पता। तो वो चीज उस दिन जो सुरभि बताई तो मुझे तो पहले मालूम नहीं था, तो मैंने जाके पापा से डिस्कस किया, पापा ऐसी बात नहीं, ऐसा केस था ये बता, इतना तारीफ किए पापा, इतना तारीफ किए कि बोले कि ये देखो ये होता है ब्यूटी, कहां से वो पकड़ा है कि एक्सेसिव फिजिकल इरिटेबिलिटी वाली बात, ये मतलब कोई ध्यान नहीं, एक होता है कि बच्चा रो रहा आदमी का दिमाग पूरा कैमोमिला सीना वो सब वाली चली जाती वो लाइन में। अगर आप नॉर्मली अगर कोई फिजिशियन को दिखाएंगे, कोई डॉक्टर को दिखाएंगे तो कैमोमिला देगा, अगर फिजिशियन को दिखाइएगा तो वो नाइट्रिक एसिड देगा। क्या बात, तो हेनेमैन यही डिफरेंशिएट है फिजिशियन और डॉक्टर को। होम्योपैथ डॉक्टर को आप दिखाने जा रहे कैमोमिला सीना इरिटेबिलिटी वाली जितनी दवा है, लो लो देखो रेपर्टरी देखो क्या है, बच्चा चीख रहा है चिल्ला रहा है दो आप। लेकिन अगर आप अपोरिज्म वन वाली भी फिजिशियन के पास अगर गए तो वो देखता रहेगा और बच्चे से थोड़ा मजा भी लेगा कि नाइट्रिक एसिड खोल के देखो देखो मतलब कि गुरु साहब की दीजिए हेनेमैन किसको बोलना है ये सीखो, अब फिर वहां पर दिखाएगा और वो भी कितना इटैलिक में, अरे उसका इतना एंगल है कोई हम लोग सोच सकते हैं कि मतलब कि बच्चा रो रहा है चीख रहा चिल्ला रहा फिजिकल इरिटेबिलिटी है उसको। इसी को अगर डिस्क्राइब, ये हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मली ये छोटा चीज लग रहा है कि देखने में, ये लोग घंटों घंटों एक एक दिन इस चीज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते, इतनी एंगल है इस ये सब चीज में, ये सब देख के ही आदमी समझ पाएगा सीख पाएगा। तो इसलिए और भी लोग जो मतलब कि मैसेज करते हैं पूछते हैं ऑर्गेनन किस बुक से पढ़े, मटेरिया कैसे पढ़े, असेंडिंग क्या है, मटेरिया का डिसेंडिंग क्या है, वो गुरु के पास टीचर के पास बैठना सिर्फ किताब से कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, कभी नहीं, जितना लाइनिंग पढ़ लो एक एक लाइन पे ऐसा ऐसा घुमा के दिखा देंगे कि तो सोचते रह जाओगे, इन्हें हम तो ये सोच के दे रहे थे यहाँ ये क्या छूट गया। पापा आज का भी पापा का कहना है कि अगर हम ज्ञान मुजुमदार के पास नहीं बैठते, उनके पास नहीं सीखते, तो आज हम ऐसी प्रिस्क्राइबिंग कभी जिंदगी में नहीं कर पाते, और आज भी प्रिस्क्राइबिंग ऐसी लेवल के करते उसके बाद भी बोलते कि मैं पैर के धूल नहीं हूँ ज्ञान मुजुमदार साहब का, तो उन्होंने क्या क्या देखा होगा। आज ये सब देख के हम लोग बोलते कितना शॉकिंग है कैसा है, तो उस टाइम में उन्होंने क्या क्या देखा होगा। अभी तो बहुत सा आते ये बीमारी बहुत सा सप्रेस करके ये खा के वो सब टाइम में नेचुरल सिम्टम कैसी कैसी चीजें दिखने मिलती होगी। और अब गुरु लोग भी वैसे ही स्टूडेंट को बैठाता था, ऐसा नहीं कि कोई भी चला गया आ गया आओ बैठो, नहीं, पहले टेस्ट पापा का पहले कितना टेस्ट लिए हो, अच्छा ये बताओ तो ये सिम्टम बताओ तो वो सिम्टम बताओ तो इसमें क्या होगा वैसा क्या होगा ये, तब बोले कि हाँ है नॉलेज आना तुम कल से यहीं आके मेरे पास बैठ के सीखना, ज्ञान मुजुमदार जैसे इंसान बोल रहे कि आके मेरे पास कल से यहाँ बैठ के सीखना। जो लोगों की लाइन लगी रहती थी कि मुझे सीखना है, मुझे सीखने के लिए इंटर करवा दी थी, अरे शुएब सर से इसका स्टोरी सुनोगे, वो बोले कि बड़े टीचर लोग आ जाते थे तो हम लोग डर जाते थे कि उन लोग सोचेंगे कहीं हम लोग को भगा नहीं दे, कि मतलब कि ये क्यों सोचेंगे ना हम लोग को जगह नहीं मिल रहा ये छोटा आके सीख रहा है, वो लोग बाथरूम में जाके छुप जाते थे कि कोई देख नहीं ले हम लोग को कि हाँ आते हम लोग सीखने के लिए, घंटों घंटों बाथरूम पे छुपे कि हम लोग को भगा नहीं दे, मौका नहीं मिले आने का। तो ये फियर का बहुत ही अच्छा रहा हम लोग का ओवरऑल, इसके साथ बहुत सी सब की बातें भी हो गई और एक हाँ और संडे को जैसे कि ये था कि पापा के साथ ये था कि लाइव सेशन था आने का डॉक्टर एलम खान सर के साथ था, तो पॉसिबिलिटी थोड़ा ये संडे नहीं हो पाएगा, मे बी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट संडे को, क्योंकि उनका ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो
नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे, सैटरडे शोएब सर का रहेगा और संडे को देखते हैं, अगर राशिद सर का अगर टाइम मिल जाए तो हम कोशिश करेंगे राशिद ही सर के साथ डिस्कस करने का। वो जो बात आज जो मैंने वीडियो देखा उनका, वो वीडियो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब क्या मतलब कि एक्साइटिंग बहुत वाली बात, कहां से एक्साइट हो रहा है, क्या पकड़ना है, कहां रुक जाना है, बहुत बहुत मजेदार, बहुत अच्छा लगा। यही होता है हम लोग की, यही गलती हो जाती है, उसको समझ जाते कि हाँ ये एक्साइटिंग बहुत, ये मैंने नहीं। और वो 206 के फुटनोट वाली बात भी जो बताई सर ने कि इनसिग्निफिकेंट, हाँ तो मेरा तो उसपे बहुत ज्यादा दिमाग लगता है कि सब लोग बोलते हैं ये चीज हुई इससे डेवलप हो गया, बोलते हैं दीज कॉजेज आर टू इनसिग्निफिकेंट, ये नहीं कॉज कर सकते या कैरी फॉरवर्ड कर सकते। बहुत वो तो बहुत ही बढ़िया सर ने बताया था। अभी रिसेंटली हम 3 महीना पहले इस चीज पे इतना सुने कि ये वायरस हुआ इसकी वजह से, कभी जिंदगी में ये नहीं दिखेगा कि वायरस या ये चीज कॉज करता है। कोई भी डिजीज कॉज करने का अलग फैक्टर होता है वहां, वो वाली बात ये लोग बोल सकेंगे कि माइजम की कवरेज वाली बात, कहां सप्रेस हो रहा, क्या एक्साइट कर रहा है अंदर का, क्या ये हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मतलब कि प्लीज सर टेल वेयर कैन फाइंड दैट वीडियो, और मेरे इसमें लगा स्टोरी में है, मेरे स्टोरी में है, उनके पेज में है, आप जाके उसमें पेज में फॉलो करिए, देखिए आपको सब चीज मिलेगा, और भी वीडियो है, उनके सारे इंफॉर्मेशन है, मेरे स्टोरी में है, आप वहां से राशिद सर के उसमें जाके आप देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा। पेज का क्या नाम है, हेलकुंस होम्योपैथिक, आप इसमें देख लीजिएगा, उसमें वो मिल जाएगा शॉर्ट में। बहुत डीप हम कोशिश करेंगे, हम आज बात करते हैं राशिद सर से, अगर टाइम मिल जाए तो संडे को मैं वही बोलूंगा, यही सब बातें छोटी छोटी कितना इम्पोर्टेंस है कि जहाँ पे हम लोग मटेरिया का तो बात हो ही जा रहा है क्लिनिकल्स, तो थोड़ा ऑर्गेनन की भी बात, कहाँ पे हम क्या पकड़ना है, क्या कैसे ये करना है। तो चलो बहुत अच्छा रहा, मजा आया, ओके थैंक यू, हाँ ठीक है, थैंक यू।